जाता है। चलिए थोड़ी देर बाद हम बात करते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। अब एक और रीजन जिसके कारण कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया, वो ये दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि हम अलग अलग यूनिट्स में एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट यूनिट्स के कारण। जैसे कि लेंथ के लिए हम किलोमीटर यूज कर लेते हैं, कभी मिलीमीटर यूज करते हैं, कभी सेंटीमीटर, तो कभी मीटर यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। सो उस तरह के सिचुएशन में देखिए प्रॉब्लम क्या आता है। अगर अगर कोई कहता है कि मान ले कि 4 किलोमीटर मैं हर रोज सुबह 4 किलोमीटर दौड़ता हूं। अब 4 किलोमीटर जो है ये 4000 मीटर के बराबर है। तो अब अगर कोई कहे कि मैं 4000 मीटर दौड़ रहा हूं, तो इसका ये मतलब कतई नहीं होगा कि वो एग्जैक्टली 4000 मीटर दौड़ रहा है। हो सकता है जैसे कि जब हम कहते हैं कि मैं हर रोज 4 किलोमीटर दौड़ता हूं, हो सकता है वो 100-200 मीटर ज्यादा दौड़ लेता हो या फिर 50-100 मीटर कम दौड़ लेता हो। तो अगर उसे मीटर में हम कन्वर्ट करके ये कहते हैं कि 4000 मीटर, तो क्या ये एग्जैक्टली 4000 मीटर को इंडिकेट ही कर रहा है? ऑब्वियसली नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं। तो यहां भी एक तरह का कंफ्यूजन आता है। देखिए राउंड ऑफ जैसा कंफ्यूजन ही है यहां पर भी। सो ये आता है हम डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं उस समय। तो यही दो रीजंस है जिसके कारण हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जानना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हम किसे कहते हैं और इसके यूज करने के रूल्स क्या क्या है। तो जैसे ही इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स को हमें यहां पर डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। सिग्निफिकेंट मतलब उसका कुछ सिग्निफिकेंट है, उस डिजिट का उसका कुछ मोल है। इनसिग्निफिकेंट मतलब उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है उस केस में। तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। कुछ नंबर्स मैं यहां पर लिखूंगा और उसी को हम देखेंगे उनमें से कौन कौन सा डिजिट जो है वो वैल्यू कन्वे करता है, दैट मीन वो सिग्निफिकेंट है, और कौन कौन सा डिजिट्स जो है वो हमारे मैल प्रैक्टिस के कारण या फिर हमारे यूनिट कन्वर्जन के कारण वो अपीयर कर रहा है, जो कि जिसका कोई मोल नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट है या फिर वो हमें एक गलत मैसेज कन्वे कर सकता है। तो वही सारे हो गए इनसिग्निफिकेंट। तो अगर मान लेते हैं कि मैं आपसे कहता हूं कि 0.0054 ये एक नंबर है। अब इस नंबर में कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट है और कौन सा डिजिट इनसिग्निफिकेंट है? जैसे कि मान ले कि ये 0.054 किलोमीटर अगर होता है, तो जैसे ही हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम क्या कहेंगे इसे? हम कहेंगे ये है 54 meters। तो यहां पर अगर आप देखें तो इस नंबर में 54 में दो डिजिट्स हैं। ये दो डिजिट्स जो है ये सिग्निफिकेंट है, और चूंकि ये 54 मीटर को ही किलोमीटर में कन्वर्ट किया गया, इसीलिए ये जो दो जीरोस हैं, एक तो डेसिमल पॉइंट के पहले एक डेसिमल पॉइंट के बाद, ये दो जीरो जो है ये झूठ मूठ का अपीयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं। अब यूनिट कन्वर्जन के कारण ये जो दो डिजिट्स जो है ये इनसिग्निफिकेंट हो गया। इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं कह सकते हैं दो डिजिट्स का है, इन दो डिजिट्स का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हमें ये चूंकि किलोमीटर में इसे रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए ये दो अपीयर कर रहा है। फंडामेंटली अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंट ये दो डिजिट्स हैं। सो ये दो डिजिट्स हो गए सिग्निफिकेंट डिजिट्स। उसी तरह से मान ले एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं कि एक नंबर है 1.012।
ये। अब अगर इस नंबर को देखें तो फिर से वही कर लेते हैं, मान ले ये किलोमीटर है, इतना किलोमीटर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली ये जो होगा ये बराबर होगा 10, अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 1012 मीटर। अब अगर आप देखें यहां पर आप पाएंगे कि ये चारों का चारों जो है ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, वैल्यू कन्वे कर रहा है। सो ये चारों का चारों डिजिट्स जो है ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, यहां पर भी कोई भी इनसिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। पहले एग्जांपल में हमने देखा था 2 जीरोस जो है ये इनसिग्निफिकेंट हो गया, यहां पर 0 है लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है। कभी भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर 0 रहे तो वो इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा, वो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो ये एक दूसरा एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि कोई ये लिखता है कि 0.230। अब ये नंबर यहां पर अगर आप देखें तो वही सेम काम कर लेते हैं, किलोमीटर मान ले इतना किलोमीटर, तो अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसे क्या लिखेंगे? ये जब भी मीटर में कन्वर्ट होगा इसे हम कहेंगे 230 मीटर। अब यहां पर आप ध्यान से देखें कि यहां पर ये 0 क्यों लगाया गया था। सिंपली कोई अगर किलोमीटर में ये लिखता है तो वो लिखेगा कि 0.23 किलोमीटर। हमें पता है डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन जीरो डिजिट खत्म होने के बाद हम जबरदस्ती 0 यहां पर अपीयर नहीं करवाते हैं, लेकिन यहां पर जबरदस्ती 0 अपीयर करवाया गया। मतलब क्या है? मतलब ये मेजरमेंट के प्रेसिजन को इंडिकेट कर रहा है। एक और एग्जांपल यहां कंसीडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई लिखता है 0.23 किलोमीटर। अब इसे अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेम वही तरीका हम अपना सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आएगा 230 मीटर। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो ये है कि यहां पर ये एक 0 अपीयर कर रहा है जबकि यहां पर वो 0 अपीयर नहीं कर रहा है। मतलब ये बना कि इस सेकेंड केस में, इस वाले केस में मेजरमेंट का जो प्रिसीजन है वो मेजरमेंट का प्रिसीजन कम है। अब ये 0.231 या 2 या 3 है ये कोई नहीं जानता है, इसीलिए यहां पर जबरदस्ती 0 नहीं लिखा गया, लेकिन यहां पर एक बाई फोर्स 0 को लिखा गया। मतलब उसने बहुत एक्यूरेटली मेजर किया है, ज्यादा एक्यूरेटली मेजर किया है और उसने एग्जैक्टली 230 मीटर उसका मेजरमेंट पाया है। लेकिन सेकंड केस में, इस वाले केस में हम ये कहेंगे कि